नमस्कार, खबर देस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चौंवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुण तों थोड़ी देर बाद विश्व दे सब तों वड्डे कोरोना टीकाकरण प्रोग्राम दी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही शुरुआत करनगे। कोविड टीकाकरण दे उद्घाटन समय सारे सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां विच पैंदे 3006 टीकाकरण सेंटरां नूं वर्चुअल माध्यम राही जोड़िया गया है। पंजाब सूबा भी टीकाकरण दे लई पूरी तरह तैयार। सूबे दे विच अज 59 थावां ते टीकाकरण कीता जाएगा। अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां अते सरकार विचाले खेती कानूनां बारे अगले गेड़ दी गलबात 19 जनवरी नूं होवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नूं आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन करेंगे। पंजाब सरकार ने साल 2017-18 दौरान सूबे दे नामना खट्टन वाले 90 खिडारियों नूं 1,66,00,000 रुपए की राशि की तकसीम। अकविंजवा अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म फैसटिवल अज तो गोवा दे विच शुरू हो रहा है। फैसटिवल दे विच कुल 224 फिल्मां प्रदर्शित कीतियां जाणगियां। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुण तों थोड़ी देर बाद विश्व दे सब तों वड्डे कोरोना टीकाकरण प्रोग्राम दी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही शुरुआत करनगे। कोविड-19 टीकाकरण दा ए देश व्यापी अभियान देश दे हर कोने दे विच शुरू कीता जा रहा है। कोविड टीकाकरण दे उद्घाटन समय सारे सूबिआं अते केंद्र शासित प्रदेशां दे विच पैंदे 3006 टीकाकरण सेंटरां नूं वर्चुअल माध्यम राही जोड़िया गया। हर सेंटर ते कोई 100-100 लाभपात्रियां दे कोरोना टीके लगाए जाणगे। इह कोविड टीकाकरण प्रोग्राम तरजीही ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अज शुरू होने वाली देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम दी तैयारियां दी कल समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने सेहत परिवार भलाई मंत्रालय दे प्रिमसिस निर्माण भवन दे विच स्थापित किए गए समर्पित कोविड कंट्रोल रूम का दौरा किया। अपने दौरे दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के कामकाज के हरेक पहलू का बरीकी दे नाल निरीक्षण किया। कोविड डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविड टीकाकरण मुहिम दे लई वरत्या जाएगा। यह वैक्सीन भंडार स्टोरेज तापमान कोविड-19 टीके दे लई व्यक्तिगत तौर ते लाभपात्रियां दी ट्रैकिंग करके ते रियल टाइम जानकारी देवेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कौमी सूबा ते जिला पद्धर ते प्रोग्राम मैनेजरां दी सहायता करेगा जदों टीकाकरण सैशन चला रहे होणगे। ये प्लेटफॉर्म कौमी ते सूबा प्रशासकां नूं लाभपात्रियां दे लिंग उमर ते होर बीमारियां बारे डाटा वखरा करन अते देखण योग बनावेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3,00,000 के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स। देश भर विच अज तो शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण प्रोग्राम के संबंध विच पंजाब सूबा भी टीकाकरण के लिए पूरी तरह तैयार है। ते सूबे दे विच 59 थावां टीकाकरण के लिए तैयार कीतियां गईयां ने, जिथे केंद्र सूबा ते फौजी बलों के सेहत कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले पड़ा तहत 1,74,00,000 सेहत संभाल कर्मचारी टीकाकरण की पहली खुराक प्राप्त करेंगे। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ए जानकारी देंदिया दस्या है कि प्राप्त हुई वैक्सीन की पहली खेप दियां खुराकां सारे जिला पादरी कोल्ड चेन स्टोरां च पहुंचा दित्तियां गईयां ने ते इस वैक्सीन दे इस्तेमाल दी जानकारी भी दित्ती गई है। उन्हां कहा कि इस तों पहलां भारत सरकार दे दिशा निर्देशां अनुसार टीकाकरण दे लई सफलतापूर्वक पूर्व अभ्यास भी कीता जा चुक्या है। उन्हां स्पष्ट कीता है कि सिर्फ उन्हां पंजीकृत लाभपात्रियां दा टीका होवेगा जिन्हां दा डाटा कोविड वैबसाइट ते उपलब्ध है। उन्हां दस्या है कि हरेक थां ते वध तों वध 100 व्यक्तियां दा टीका करण कीता जाएगा अते टीका लगवाउण वालियां नूं 28 दिनां बाद दूजा टीका लगवाया जाएगा।
केंद्रीय खेती कानून ते पए रेड़के दे हाल दे लई अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां ते सरकार विचाले नवी दिल्ली दे विज्ञान भवन दे विच नौवें गेट दी गलबात वी बेसिटा रही है। अगले गेट दी गलबात 19 जनवरी दे लई तय हुई है। इस मीटिंग दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे वनज अते खुराक मंत्री पीयूष गोयल अते केंद्रीय वनज राज मंत्री सोम प्रकाश शामिल सन। मीटिंग तो बाद मीडिया दे नाल गलबात करदिआं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन दे नाल किसानां नाल गलबात कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों दी चिंतावां दा हल गलबात राही ही हो सकता है अते उन्हां नूं उम्मीद है कि अगले गेट दी गलबात दे कुछ सार्थक नतीजे सामने आउणगे। खेती मंत्री ने कहा कि इस समय कोरोना का भी खतरा है, किसान भी कड़ाके की ठंड के दिल्ली के बॉर्डर से बैठे ने। उन्हें सलाह दी है कि रेड़के के छेती हाल दिल्ली किसान जथेबंदियों एक गैर रस्मी ग्रुप बना के प्रस्ताव तैयार करना चाहिए है ता जो इस उत्ते विचार हो सके। सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देश दे युवा उद्यमी स्टार्टअप्स दे नाल गलबात करनगे अते प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नूं वी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन करनगे। इस दौरान शिखर सम्मेलन दा आयोजन भारत सरकार दे वनज अते सन्यता मंत्रालय हेठ काम करदे सन्यता दी प्रमोशन अते अंदरूनी व्यापार विभाग वल्लों कीता जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन स्टार्टअप इंडिया स्कीम दी 5वीं वरेकंड मौके करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों 16 जनवरी 2016 दे विच स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की गई सी ते अज होण वाले स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दे विच 25 तो वध मुल्कां दे कोई 200 स्पीकर हिस्सा लैणगे। इस शिखर सम्मेलन दा उद्घाटन केंद्रीय वनज ते सन्यता बारे मंत्री पीयूष गोयल वल्लों कीता गया। भारतीय चोण कमिशन ने कहा है कि सूबा ते केंद्र शासित प्रदेशां दीआं सरकारां नूं किसे भी उपचोण अधिकारियां दे खिलाफ किसे भी अनुशासनी कार्रवाई करन तों पहलां कमिशन दी मंजूरी लैणी पवेगी। इन्हां अधिकारियां उपर उन्हां दे अहुदे दी म्याद विच अते उन्हां वल्लों आखरी चोण करवाए जाण तों 1 साल बाद भी कार्रवाई करन दे लई कमिशन दी पहलां मंजूरी लैणी होवेगी। भारतीय चोण कमिशन ने कैबिनेट सकत्तर, सूबिआं दे मुख सकत्तरां ते सकत्तर परसोनल ते ट्रेनिंग विभाग के मुख चोन अधिकारियों को इस बारे चिट्ठी राही सूचित किया है। भारतीय चोन कमिशन ने कहा कि कमिशन के ध्यान में अजिहियां कई उदाहरण आईया ने जिन्हों के मुख चोन अधिकारियों और उन्होंने दफ्तर के काम करने वाले अधिकारियों को चोणों से पीड़ित किया गया है। पंजाब दे खेड मंत्री राणा गुरजीत सिंह सोढी ने कल चंडीगढ़ दे विच साल 2017-18 दौरान सूबे दे लई नामना खट्टन वाले 90 खिडारियों नूं करीब 1.66 करोड़ रुपए की राशि तकसीम की। इस मौके बोलदियां सोढी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 दे लई पंजाब पूरी तरह तैयार बर तैयार है। उन्होंने कहा कि आंदे दिनों दे विच अजे 1,135 खिडारियों नूं नकद इनामों की वंड की जाएगी। नवी खेड नीति दे कौमांतरी पिड़ दे लई खिडारियों की तैयारी दे लई मददगार होण दा दावा करदिआं खेड मंत्री ने कहा कि विदेशों तो कोच ते होर उपकरण वर्गियां सहूलतां मुहैया करन दे लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जावेगी। उन्हां ओलंपिक खेडां दे विच सोने दा तमगा जित वाले नूं 2.25 करोड़, चांदी दे लई 1.05 करोड़ अते कांसी दे लई 1 करोड़ रुपए की राशि देण दा ऐलान कीता है। उन्हां कहा कि इस तों इलावा इन्हां जेतुआं खिडारियों नूं नौकरी भी दित्ती जावेगी। पंजाब सरकार ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे की कायाकल्प करदिआं हुण तक 7,842 सरकारी स्कूलों नूं स्मार्ट स्कूलों दे विच तब्दील कीता है। इस दे नाल ही सरकारी स्कूलों दे विच इस साल नवे दाखलियां दे विच ना केवल 14% तों ज़्यादा वाधा होया सगों लोगों का सरकारी स्कूलों प्रति रुझान भी वध्या है। एक सरकारी बुलारे ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ है कि स्मार्ट स्कूल टैक्नोलॉजी अधिकारित अध्यापक सिखलाई संस्थावां ने जो बच्चों के संपूर्ण विकास नूं यकीनी बनाउंदियां ने। इन्हां स्कूलों दे विच मियारी सिक्ख्या प्रदान करन दे लई क्लासरूम, डिजिटल समगरी, सूरजी ऊर्जा, खेड सहूलतां, स्मार्ट वर्दी ते आकर्षित वातावरण समेत विद्यक पार्क मुहैया करवाए गए ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।